तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल कवर्धा के दौरे पर है। यहां उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं चल पा रही है, हर दिन हत्या लूट जैसे बड़े वारदात हो रहे हैं। भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार की योजनाओं और मोदी की गारंटी पर जमकर सवाल भी उठाए। बता दें, पूर्व सीएम बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट से टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के कवर्धा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। लेकिन भीड़ बाद में कह रहा हूं, मिला क्या? अभी 400 रुपये सिलेंडर देने की बात कही थी, मिला? उन्होंने गारंटी दी थी कि नगद भुगतान होगा 3100 रुपया, हर पंचायत में होगा। किसी पंचायत में 11000 से अधिक पंचायत, एक भी पंचायत में बता दो कि 1 रुपया भुगतान किसी किसान को हुआ हो, ये मोदी जी की गारंटी। हर गृहिणी मत हर शादीशुदा महिला को आप 1000 रुपया महीना देंगे, और 3 महीने बीत गया, कितने लोगों को मिल पाया? और क्या सबको मिला है? भाई 3 करोड़ जनसंख्या है, आधी आबादी महिलाओं के, 1.5 करोड़ होता है। यदि 50 लाख भी मान लें जो अविवाहित हों, अब भी 1 करोड़ महिलाएं हैं। ये तो भाषण देते थे भूपेश बघेल की पत्नी भी, एक हम लोग देंगे 12000 महतारी वंदना की, सबके बारे में बोलते थे। अब विष्णुदेव साय बताए उसकी पत्नी को मिल रहा है कि नहीं मिला,